हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी निशू खान। आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। हम एक इंटरनेशनल ब्रांड लाइक थाईलैंड का मेकअप जो है इस वीडियो में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। ये लुक मैंने अचीव किया है इस वीडियो में। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग बिकॉज हम इस मेकअप के सारे प्रोज एंड कॉन्स पे बात करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही क्यूट है। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आईब्रोज मैं ऑफ कैमरा ही बना चुकी थी, अब हम आई मेकअप करेंगे और उसके लिए मैं ले रही हूँ ऑडबो का चार्मिंग आई शेडो पैलेट। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें टोटल 15 शेड्स हैं और इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 600 रुपीज़ है, क्वाइट रीजनेबल इन प्राइस। पिगमेंटेशन जो है फिंगर की मदद से, दे आर सुपर पिगमेंटेड एज़ कम्पेयर टू जब आप ब्रश से इसे यूज़ करो तो इतने पिगमेंटेड नहीं हैं जैसे फिंगर से होते हैं। तो मैं ये वाइट शेड ले रही हूँ इसके ही एप्लीकेटर के साथ अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। तो आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि ब्रश की मदद से दे आर नॉट दैट मच पिगमेंटेड, लेकिन अगर आप ब्रश को गीला करके इसे यूज़ करोगे देन दे आर रियली पिगमेंटेड। देन ये शेड मैं अपनी आईलेट पे यूज़ करूँगी और ये ब्रश ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था इसलिए मैंने दूसरे ब्रश की मदद से यही कलर अप्लाई किए, लेकिन मैंने ब्रश को जो है वेट किया। आप किसी सेटिंग स्प्रे से इसे वेट कर सकते हो या आप पानी भी यूज़ कर सकते हो, और इसे मैंने वेट करके अपनी आईलेट पे आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई किया। और ब्रश के लिए मैं ब्यूटीफाई में आमना का स्मॉल स्मजिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सेम मैं नीचे लोअर लैश लाइन पे हाफ सेम कलर्स को अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हो कि ब्रश वेट करने के बाद जो है पिगमेंट अच्छे से आ रहा है आईलेट पे। दूसरी आई पे मैंने ऑफ कैमरा ही मेकअप अप्लाई किया, लाइक आईलेट पे सेम कलर्स अप्लाई किए। देन मैं ये वाला शेड लूँगी और इसे मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी और आहिस्ते आहिस्ते ब्लेंड करूँगी और इसे ड्रैग करूँगी इनर लिड की तरफ। सेम कलर को मैं नीचे लोअर लैश पर भी अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है और इसे इंटेंस दिखाने के लिए मैं वही शेड आउटर वी पर अप्लाई करूँगी एंड सेम लोअर लैश पर अप्लाई करूँगी। और ब्यूटीफाई बाय आमला के ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे और सब कुछ ब्लेंडेड और ब्यूटीफुल नज़र आए। सो ये वाला शेड लेके मैं अपने टियर डक को हाईलाइट करूँगी। सो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ऑडबो का स्केच ब्लैक वाटरप्रूफ आईलाइनर। व्हेन इट सेज वाटरप्रूफ 100% इट इज़ वाटर प्रूफ गर्ल्स, ट्रस्ट मी। इसका एक्सपायरी डेट इसके बैक पे लिखा है। पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, गर्ली पिंकिश कलर में, और इसकी टिप जो है वो बहुत ही बारीक टिप है। यहाँ पे मैंने बहुत ही जान छोड़ाने वाले तरीके से अपने हाथ पे अप्लाई किया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप इससे बहुत बारीक लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, इससे मोटा लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ रियली गुड, ट्रस्ट मी। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग देन गेट दिस एंड मस्कारा, दीज बोथ प्रोडक्ट्स आर माई फेवरेट। लाइनर मैं अप्लाई करूँगी इसकी मदद से, इट इज़ जेट ब्लैक, वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। मेक श्योर कि इस तरह के लाइनर्स को आप मस्कारा की तरह सीधा किसी स्टैंड में रखें और इसकी कैप हमेशा नीचे की तरफ हो। सो अनदर मेकअप प्रोडक्ट जो कि मेरा फेवरेट है इज़ देयर कूल टिप्स ट्वाइस मस्कारा। सो ये मस्कारा कूल इसलिए है क्योंकि इसमें ऊपर लैशेस और नीचे लैशेस दोनों के लिए अलग अलग वॉन्ड्स अवेलेबल हैं। इसमें फर्स्ट ट्विस्ट करने पर ऊपर लैशेस के लिए वॉन्ड अवेलेबल है और उसकी कैप पे ऊपर जब आप इसे ट्विस्ट करोगे देन इसमें अवेलेबल है आपके नीचे लैशेस के लिए एक वॉन्ड। तो ये अपर लैशेस के लिए है, इसका वॉन्ड आप देख सकते हो काफ़ी थिक है, आपकी लैशेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जबकि ये वाली साइड जो है जो कि आपके नीचे लैशेस के लिए है, इसकी वॉन्ड काफ़ी थिन है जो कि आपकी लोअर लैशेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो मैं बिग मस्कारा वॉन्ड की मदद से अपनी अपर लैशेस को कर्ल करी हूँ। यू कैन सी बहुत खूबसूरती से कर्ल करता है, आपकी लैशेस को क्लम्पी बिल्कुल नहीं बनाता। आई एम सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो यू कैन सी के मेरे लैशेज़ वो अच्छे से कर्ल कर रहा है।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, अगर आपकी लैशेज काफ़ी थिक है, घनी है, तो ये मस्कारा इज सो गुड फॉर यू। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लोअर लैश लाइन। सो लोअर लैशेज के लिए मैं ये वाला वॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, स्मॉल, तो ये भी बहुत ही अच्छे से आपकी लैशेस को कर्ल कर देता है, निचली लैशेस को। अच्छा, एक बात मुझे फील हुई है कि ये जेट 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 ब्लैक नहीं है, लाइक जिस तरह से बाकी मस्काराज होते हैं अमूमन, उस तरह से बिल्कुल ब्लैक कलर में नहीं था, बिकॉज मुझे लोअर लैश लाइन पे फील हुआ ऐसा। देन इनका प्राइमर मेरे पास तो नहीं था, ना ही इनका प्राइमर कोई है मेरे ख्याल से, तो प्राइमर मैंने कोई भी यूज़ कर लिया, आप भी कोई यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इनका फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ, जो कि है ऑटबो डबल परफेक्शन कंसीलर प्लस फाउंडेशन, और इसका शेड है 21। सो इसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, ग्लास बॉटल है, कैप इसकी जो है प्लास्टिक की है। सो पंप इसमें अवेलेबल है, कैप आप देख सकते हो, इसकी कैप में है कंसीलर, 5 ग्राम आपको मिलेगा इसमें कंसीलर। कंसीलर का कलर जो है वो मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क था, बिकॉज ये डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर हाइलाइटिंग। तो फाउंडेशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का कबूकी ब्रश, मैं यूज़ करूँगी डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। फाउंडेशन जो है देखने में बहुत वाइट लग रही है कैमरा पे, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी वाइट नहीं है। यस, इट इज़ वन शेड लाइटर देन माय स्किन टोन, लेकिन कंटूरिंग ब्लश वगैरह अप्लाई करने के बाद जो है इवन आउट हो जाता है सब कुछ। फाउंडेशन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी है, रनी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कवरेज जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है, लाइक जितना आप बिल्डेबल करो उतना। मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई है और सीमलेसली बहुत ही खूबसूरती से मेरे फेस पर ब्लेंड हो गई। लाइक आई काइंड ऑफ लविंग दिस फाउंडेशन, लाइक जॉर्जियो अरमानी की फाउंडेशन के साथ मैं इसे कंपेयर कर सकती हूँ। लाइक उसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट जो था वो तकरीबन बिल्कुल सेम सेम ही है, और आपको जो है एक डुई सब फिनिश देती है। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे डैबिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी, ताकि ये बहुत ही नेचुरली ब्लेंड हो जाए मेरे फेस पर। ऐसे क्रीम कंसीलर्स को हमेशा फाउंडेशन से पहले अप्लाई करते हैं। ये पीच अंडरटोन में है, अगर आपके थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं तो इसको ये अच्छे से हाइड कर देता है। मुझे डार्क सर्कल्स का कोई इशू नहीं था, तो मैंने इसे ऊपर ही अप्लाई कर लिया, लेकिन इट इज़ डार्कर देन माय फाउंडेशन, जिसके ऊपर मैंने लाइटर कंसीलर अप्लाई करके दोबारा इसे ब्लेंड किया, लेकिन वो जगह मैं फिल्म ना कर सकी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप देख सकते हो कि अच्छे से ब्लेंड हो गया। आई लव द पैकेजिंग एंड आई लव द आइडिया। देन मैं इनका लूज पाउडर यूज़ करूँगी। अच्छा, इनके सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन लूज पाउडर की बात करें तो इसमें ग्लिटर्स नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत एक शीन सा देता है आपके फेस को, लाइक शाइन सा प्रोवाइड करता है। तो ये है शेड नंबर 3, और इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पंज आता है, लाइक अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्वॉच दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा ग्लिटरी ग्लिटरी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा जैसे लूज शिमर्स होते हैं उस तरह का अफेक्ट देता है आपके फेस को। वो इसलिए कि थाईलैंड और कोरियन ये सब लोग जो है इनको डूई मेकअप बहुत पसंद है। सो इस पाउडर की कोई सेंट नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा वाइट कास्ट अफेक्ट दे जब आप एक फ्लैश यूज़ करोगे पिक्चर खींचने के लिए, अदर देन दैट बहुत ही खूबसूरत लगता है। देन फेस को डिफाइन करने के लिए, कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनका 3 शाइनिंग मूव्स ब्लशर। दे आर नॉट ब्लशर्स, लाइक एक हाईलाइटर है, एक फेस को सेट करने के लिए है, और एक कंटोरिंग के लिए। आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट ब्लशर, बट इट्स ओके। देन मैं ये कंटोरिंग शेड यूज़ करूँगी अपने फेस को कंटोर करने के लिए, जॉ लाइन, नोज, फॉरहेड, लाइक पूरा फेस को वार्म्थ दिखाने के लिए। लाइक बहुत ही वाइट लग रहा है, बट कंटोरिंग के बाद जो है वो बिल्कुल ही एक वार्म्थ आ जाती है फेस में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लाइक यू कैन सी थोड़ा डिफाइन हो गया है मेरा फेस। कंटोरिंग किट के टेक्सचर की बात करें तो कंटोरिंग शेड इज सो गुड, फ्लॉलेस ब्लेंड हो जाता है फेस पे। हाईलाइटर जो है वो थोड़ा सा पैची लगता है, पर ट्राई करें कि आप गीले ब्रश से अप्लाई करें तो आपके जो फेस का टेक्सचर है वो विजिबल नहीं होगा।
यहाँ पे मैं ब्यूटी फाइव आमना का कंटोरिंग ब्रश लेकर, जो मैंने कंटोरिंग की थी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट आए, लाइक सीमलेसली नेचुरल इफेक्ट। ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ ऑटबो का कलर हार्मनी ब्लशर पैलेट, और ये है इन शेड 3। आप देख सकते हो इसमें तीन मैट शेड्स हैं और तीन जो है वो टेराकोटा ब्लशेस हैं। अगर आपको शिमरी शेड्स पसंद है और मैट, तो दिस इज गुड फॉर यू। देन इनका एक और पैलेट फ्लोरल ब्यूटी ब्लशेस एंड कंटूर पैलेट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली इसमें सारे शेड जो हैं वो ब्लशेस के हैं, बीच में हाइलाइटिंग कलर है। ये पैलेट है शेड नंबर 3 एंड ये वाले कलर जो है मैं एज अ ब्लश इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। लाइक बहुत ही सुपर पिगमेंटेड नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस पैलेट की। लाइक आप अच्छे से इसे अपने फेस पर बिना डरे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ब्लशेज जो होते हैं वो बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं, जब आप उसे अप्लाई करते हो आपके फेस पे तो वो बहुत ही छापा सा छोड़ जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ रियली रियली प्रिटी एंड बजट फ्रेंडली एज वेल। तो इसमें कंटोरिंग शेड्स तो कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे मैं कंटोरिंग वाली जो किट थी छोटी सी हाइलाइटर के लिए, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई टोटली 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 फॉरगॉट अबाउट द ऑटबो का जो हर्ट शेप वाला हाइलाइटर है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट 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 एंड माई फेवरेट हाइलाइटर। और मैं टोटली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वही खरीदो बिकॉज दैट इज़ स्टनिंग। सो इस हाइलाइटर को मैं अपने चीक्स पे, नोज पे अप्लाई किया है। ऑटबो वंडरफुल लिप पेंसिल मैं अपने लिप्स को लाइन करने के लिए यूज़ करूँगी। इस बॉक्स में टोटल आपको 12 लिप पेंसिल्स मिलेंगी, साथ में एक शॉर्पनर जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा। और मैं शेड नंबर 2 इस्तेमाल कर रही हूँ और अपने लिप्स को लाइन करूँगी इसी से। बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट लिप पेंसिल है, इसकी क्रीमी टेक्सचर की वजह से आप इसे एज अ लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लिपस्टिक्स नहीं पसंद और पेंसिल ज़्यादा पसंद है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो एज अ लिपस्टिक भी। तो लिप ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मेरे पास लिपस्टिक ऑप्शंस यहाँ पे 3 है। सबसे पहले इनकी ये लिपस्टिक पैलेट, जिसमें टोटल 16 शेड्स हैं और मैट है। मैंने इसे यूज़ नहीं किया बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कलर रेंज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बट इसकी सेंट मुझे नहीं पसंद, ठीक है, इसकी सेंट मुझे नहीं पसंद, बट कलर रेंज जो है वो बहुत ही प्यारा है इसमें। और इसके साथ एक ब्रश भी है और एक मिरर भी अवेलेबल है, अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी। देन वी हैव देयर शोई, ऑटबो का शोई लिप कलर है ये, इसका शेड जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इनकी जो मैट लिक्विड लिपस्टिक है, जो मेरी फेवरेट है, वो मैं आपको दिखाती चलूँ, वो कहलाती है इनकी ऑटबो सीरीज स्ट्रॉन्ग सीरीज, एंड इसका शेड भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये मेरा फेवरेट 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 शेड है और ये मेकअप रेवोल्यूशन का एक्लॉन लिक्विड लिपस्टिक का ड्यूब है, बिल्कुल सेम वही शेड है ये, बट द टेक्सचर इज सुपर क्रीमी एंड इतना मज़े का ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता लिप्स पे, और इसकी कोई भी सेंट नहीं है जिससे आपको जो है कोई इरिटेशन फील हो, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं। देन द मोस्ट वर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने इस वीडियो में यूज़ किया इज़ देयर टू फेस्ड का पीच सेटिंग स्प्रे, जिसकी वजह से मेरे फेस पे वाइट कलर के निशान बन गए थे, एंट्रो में भी आपने देख लिया होगा, अभी भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये सेटिंग स्प्रे जो है जहाँ मेरे फेस पे गिरा, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड नहीं किया, दैट्स वाई छोटे छोटे स्पॉट मेरे फेस पे बन गए, बट इट्स ओके, सब चलता है, मैंने नोटिस नहीं किया, बट व्हाटएवर। ये था मेरा आज का लुक और ये थे सारे प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को मैं 8/10 दूंगी। पैकेजिंग इज रियली गुड, क्वालिटी इज रियली गुड। प्रोज एंड कॉन्स हर प्रोडक्ट में होते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छे नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।